अस्सलाम वालेकुम जी, फोर पी ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिफ आपके नाजर है। जैसे कि आपको पता है न्यू सिटी फेज टू कोहिस्तान इनके लिए वो और 2017 के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं न्यू लिस्टिंग वो आपके लिए लेके आते हैं। कोहिस्तान इनके लिए एफ ब्लॉक के अंदर बहुत ही जबरदस्त 5 मरले का घर जिसकी डिमांड जो है वो बहुत ही मुनासिब है। 175 डिमांड है। आप डिमांड को ना देखें, आप घर आए विजिट करें और इंशाल्लाह ये जो घर है ये बहुत सस्ता आपके लिए हो जाएगा, बहुत मुनासिब हो जाएगा। 5 मरले कैटेगरी में जैसे आपको पता है गैराज कार पार्किंग जिसे कहते हैं वो आपके लिए कार पार्किंग एरिया और जिसमें अंदर नीचे जो है वो ब्राउन कलर की जो है वो टाइल 2x2 की लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो है वो पानी और ओपन स्पेस रखी जाती है। आपको पता है यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है और यहाँ पे 7 इसके बिल्कुल एक घर बन रहा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं कहीं सेम मुझे दिखाई देता है, बाकी ओवरऑल घर जो है वो बड़ा मुनासिब है। चलते हैं इसके ड्राइंग रूम के अंदर और ड्राइंग रूम से इसका आपको टूर करवाते हैं। दरवाजे जो है वो वुडन सॉलिड के लगे हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त दरवाजे। उसके बाद अंदर आए तो लाइट ब्राउन कलर की जो है वो टाइल्स, शाइनी टाइल्स लगी हुई है फ्लोर के अंदर। ये आपका बनता है ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर यहाँ पे विंडो लगी हुई है ग्रिल के साथ एल्यूमिनियम की। सीलिंग बड़ी सिंपल सादा सी है, घर बड़ा सिंपल सादा लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, वो भी कोहिस्तान एनक्लेव के अंदर। आपका टीवी लाउंज और टीवी लाउंज के अंदर यहाँ पे एक मीडिया वॉल बनी हुई है, सिंपल सादा सी मीडिया वॉल बड़ी ही मुनासिब। ये जो आपको सिर्फ ही नजर आ रही है 7 एक घर बन रहा है और जो नाल घर बन रहा है तो तराइयां होती हैं, लोग केयर नहीं करते, दोनों दीवारों के दरमियान गैप होता है, उस वजह से थोड़ा बहुत ये सीपेज आ जाता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील। ये मुनासिब चीज है, ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पानी की लीकेज नहीं है। ड्राइंग रूम का आपने एरिया देखा, टीवी लाउंज देखा, टीवी लाउंज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे व्हाइट कलर का यूवी शीट के साथ बहुत ही प्यारा बना हुआ किचन और किचन के सामने यहाँ पे विंडो। एक बंदा सानू कह रहे थे इसे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, भाई ताहिर सलीम साहब हम ओवर एक्टिंग नहीं करते, हम चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जो होने वाली चीज है जो मौजूद होती है। पहला रूम और पहले रूम के अंदर यहाँ पे उन्होंने मिड में जो है वो अलमारी दी थी दोनों कपड़े वास्ते, बड़ा खूबसूरत डिजाइन यहाँ लग रहा है, सिंपल सादा सा। पीछे लंबी विंडो दी हुई है, ओपन स्पेस वॉशिंग एरिया और यहाँ पे किचन दिया गया है, सॉरी वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम आप देखें वो बड़ा वॉशरूम है भाई, वॉशरूम बहुत ही मुनासिब और बड़ा जबरदस्त साइज का है। 2 बेड के साथ 175 डिमांड के अंदर ऐसा घर कोई नहीं मिलेगा और इस घर की जो प्राइस है वो बहुत मुनासिब है। यहाँ पे उन्होंने इस कमरे के अंदर यहाँ पे उन्होंने वार्डरोब दे दी और यहाँ पे विंडो ओपन कर दी उन्होंने और सीलिंग बड़ी सिंपल सादा सी है। एक अदद वॉशरूम यहाँ पे दिया है, वॉशरूम ब्लैक एंड व्हाइट के साथ खूबसूरत लग रहा है ये वॉशरूम। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और साथ हम अपना माइक टेस्टिंग कर लेते हैं। जी चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से स्टेयर केस आपके फर्स्ट फ्लोर को जाती है, लाइट कलर और ब्लैक कलर की थोड़ी सी टाइल्स के साथ इन्होंने स्टेयर केस बनाया है जो कि बड़ा अच्छा सिंपल सादा सा है, कहीं कहीं से थोड़ा सा टचिंग का काम रहता है। राइट साइड पे ये एरिया बनता है आपका टेरेस और हम जब फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे ये सामने देखिए मीडिया वॉल, टीवी लाउंज, टीवी लाउंज के साथ ये लेफ्ट साइड पे इसके यहाँ पे है ड्राइंग रूम और ये ड्राइंग रूम इन्होंने बंद रखा है, यानी 2 in 1 आप यूज कर सकते हैं। सामने आपके LED वॉल जहाँ पे सारे स्विचेस वगैरह इंस्टॉल्ड है, ये आपको एल्यूमिनियम की बड़ी विंडो फॉर वेंटिलेशन, थोड़ी थोड़ी सफाई रहती है लेकिन वो जब आप लेंगे तो खुद कर लीजिएगा ना, सारे काम बिल्डर तो नहीं करेगा बेचारा जी। तो ये व्हाइट जैसे आपने नीचे देखा व्हाइट कलर की यूवी शीट के साथ ये किचन और जो इसकी फ्लोरिंग है वो वुडन टाइल्स के साथ है। 4 बेडरूम के साथ ये 3rd बेडरूम आपके सामने आएगा। ये बेडरूम के अंदर जैसे नीचे उन्होंने वार्डरोब दी है सेंटर में ऐसे ही ये दिए। वॉशरूम दिखा दे सर, जरा वॉशरूम आपको दिखाते हैं। बैक साइड पे इन्होंने ओपन स्पेस ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे दिखाई है, जरा फाइबर शीट लगा दी है और पूरी की पूरी ग्रिल लगी हुई है, सेफ्टी ग्रिल बैक साइड पे, अमूमन ये लोग अमूमन ओपन छोड़ देते हैं। 4th रूम आपको दिखाते हैं जी, ये 4th रूम और जैसा नीचे आपने देखा वैसे ही सेम यहाँ पे उन्होंने वार्डरोब जो है वो मुकम्मल छत तक दी है और ये वॉशरूम एक आपके सामने आ गया। तो 4 बेडरूम के साथ बहुत ही जबरदस्त हमारे पास ये ऑप्शन न्यू लिस्टिंग है और 4P ग्रुप का जो कोहिस्तान ऑफिस है इस वक्त बड़ा जबरदस्त वर्क कर रहा है मोहसिन साहब से आपकी निगरानी में। और ये आपके पास यहाँ पे मेन स्विचेस जो घर की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पे है,
जब हम इसकी ममटी में जा रहे हैं तो ममटी में भी अच्छी खासी स्पेस है जिसके अंदर तुम पेटियां भी रख सकते हो, नाल एक रूम भी बन सकता है जी। तो ममटी के बाद इसकी छत, और छत पे दिन की तरह ठीक ठाक रोशनी। आए दिखाते हैं आपको जी, एक वॉशरूम इसके बिल्कुल ममटी की बैक साइड पे, और एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप बना हुआ है, सारा चिप्स हुआ हुआ है। लोकेशन अगर आप यहाँ पे दिखाएं तो विंड टावर दिखा दे जरा जी सामने, ये आपको विंड टावर नजर आ जाएगा। विंड टावर, बिजनेस लाउंज और माज आइकन जहां पे हमारा ऑफिस है, साथ ही ये बिल्कुल सामने सब्ज रंग की जो गुंबद है वो इसकी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मस्जिद। तो एफ ब्लॉक के अंदर 5 मरले कैटेगरी 4 बेडरूम के साथ बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन, और डिमांड 175। आपने डिमांड नहीं देखनी बल्कि आपने विजिट करना है। ये वो घर है जिसकी हमने बात की थी, कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस वजह से थोड़ी थोड़ी सीपेज इसकी दीवारों में आ रही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह।